हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आप 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जिहड़े कि पोलीटिकल साइंस का फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए तुहाडा जिहड़े कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लैके आए ताकि कि तुहानू आइडिया हो सके भी किदां दे क्वेश्चन आउंदे ने ते किहड़े किहड़े क्वेश्चन इंपोर्टेंट ने। ठीक है, तो आपां वेरी शॉर्ट लोंग, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपां सॉल्व करांगे। सो वीडियो एंड तक देखना, वध तों वध शेयर करना स्टूडेंट्स, तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पर आप एग्जाम की बेस्ट तैयारी करवावे। हाँ जी, तो इस अलावा जोड़े भी होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गए वो भी आप डिस्कस करा। हाँ जी, फस्ट है, हाँ जी, भागुड़े के फस्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किड़े देशों विचकार होया। तो यह समझौता जिहड़ी कि भारत के पाकिस्तान के विचकार होया 1965 ईस्वी के। ठीक है, ताशकंद समझौता भारत के पाकिस्तान के विचकार 1965 ईस्वी के होया। नैक्सट है क्वेश्चन सैकेंड, सी टी बी टी की है, इसका पूरा नाम हैगा कंप्रीहेंशिव, ठीक है, टेस्ट बैन ट्रीटी। तो सी टी बी टी जिहड़ा कि यह है परमाणु परीक्षण से रोक लगाने की संधि, परमाणु परीक्षण से रोक लगाने की नीति जा संधि। ठीक है, परमाणु परीक्षण से रोक लगाने की संधि। नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन, राजनीतिक प्रणाली के कोई दो निवेश कार्य लिखने ने। हाँ जी, राजनीतिक प्रणाली के निवेश एक होंगे ने निकास, ठीक है, एक हो गया निवेश। आपां ने दसने ने निवेश, निकास जो सरकार कार्य करती उन्होंने प्रति, ठीक है, निवेश जिहड़े होंगे ने इहदे विच आ जाणगे हित समूहीकरण, दो निवेश कार्य हित समूहीकरण, हित स्पष्टीकरण, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण। मैं रिपीट करदी हां, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, भर्ती, ये सारे हो गए ये निवेश। तो निकास के आ जाएंगे नियम बनाना, नियमों लागू करना, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो नैक्सट है कोई दो निवेश, ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजनीतिक प्रणाली पुस्तक का लेखक कौन है। हाँ जी, द पोलीटिकल सिस्टम पुस्तक का लेखक कौन है, कदों लिखी गई, तो यह डेविड ईस्टन यदा राइटर है, डेविड ईस्टन। मैं तुहानू होर भी इंपोर्टेंट बुक्स सारिया दस दी, ठीक है, डेविड ईस्टन इसका राइटर है, तो यह 1953 ईस्वी के विच जिहड़ी कि लिखी गई 1953, ठीक है। तो हाँ जी, बाकी होर भी बुक्स के नेम तुहानू शो कर दी मैं, जिवें राजनीति प्रणाली कि सदी दे, बीवीं सदी दे, तो राजनीति विच मनुखी सुभाव, ठीक है, राजनीति दे विच मनुखी सुभाव, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तो यह है ग्राहम वाल्स, यह है ग्राहम वाल्स की बुक। अगे राजनीति प्रणाली अपने करी ली 1953 च, डेविड ईस्टन की बुक है। अगे है शासन उत्ते दो निबंध, शासन उत्ते दो निबंध, यह है बुक जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक नूं उदारवाद का जन्मदाता भी मनिया जाता, ठीक है, जो क्वेश्चन आ जाए भी उदारवाद का जन्मदाता किनूं कहा जाता तो जॉन लॉक नूं कहा जाता। तो जॉन लॉक कित्थों दा सी, इंग्लैंड का वासी सी, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सब तो वध जोर दिता जॉन लॉक ने। अगे है शासन की प्रक्रिया, शासन की प्रक्रिया बुक कि है आर्थर बैटले की, ठीक है, शासन प्रक्रिया आर्थर बैटले की। तो गांधी जी की बुक है सच नाल मेरे तजर्बे, गांधी जी की स्वैजीवनी है सच नाल मेरे तजर्बे, माई एक्सपैरीमेंट विद द ट्रुथ, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल 1867, कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो 1848, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समीक्षा, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट इनैगुरल एड्रैस। तो कार्ल मार्क्स में जिहड़े कि विज्ञानिक समाजवाद का पितामा भी कहा जाता, ठीक है, विज्ञानिक समाजवाद का पितामा या समाजिक पदार्थवाद का पितामा कार्ल मार्क्स में कहा जाता। तो कार्ल मार्क्स का जिहड़े कि वाधू मुल का सिद्धांत दिता से उन्हें, ठीक है, कार्ल मार्क्स का वाधू मुल का सिद्धांत दिता से इन्हें दास कैपिटल के, दास कैपिटल के। तो वर्ग संघर्ष का, वर्ग संघर्ष दिता से सिद्धांत कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो के, याद रखना है, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो के, वाधू मुल का सिद्धांत दास कैपिटल के। अमानतदारी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म भी याद रखना, जर्मन का दार्शनिक से कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के। कार्ल मार्क्स का जन्म होया जिहड़े कि
पंज मई 1818 ईस्वी के 1818 ईस्वी के 5 मई जर्मनी के जहूदी परिवार के ते कार्ल मार्क्स की जी कि डैथ होंगी 1883 ईस्वी के 1883 ईस्वी के लंडन इंग्लैंड के ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जोड़ा दोस्त सी वह भी याद रखना फ्रैडरिक एंजलस ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों चीन के किसने अपनाया सी दृष्टिकोण के वजों ठीक है। समाज के विकास लिए महत्वपूर्ण योगदान दिता वह हैगा माओसेतुंग माओसेतुंग ये कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो अपन थोड़े डिस्कस किए हैं। अगे है क्वेश्चन हाँ जी तो नैक्सट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हेठ लिखे विच पुरातन उदारवाद के समर्थक कि ने हाँ जी पुरातन उदारवाद पुरातन जिसनों नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता ठीक है वो समर्थक कि ने तो वो समर्थक है हरवर्ट स्पेंसर ते जॉन लॉक हरवर्ट स्पेंसर ते जॉन लॉक ठीक है। उदारवाद जेडे कि इंग्लिश का शब्द लिबरलिज्म ते इंग्लिश लिबरलिज्म शब्द लिबरलस तो लिया गया लतीनी भाषा का शब्द लिबरलस तो लिया गया ठीक है। लिबरलिज्म शब्द तो इसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति भी याद रखना तो इन्हों दो तो इलावा होर भी ने ठीक है पुरातन उदारवाद के समर्थक जिमें हरवर्ट स्पेंसर ठीक है एडम स्मिथ ये तो हो गया जॉन लॉक हरवर्ट स्पेंसर तो हो गया एडम स्मिथ याद रखना। तो समकाली उदारवाद जिसनों जेडे कि समकाली उदारवाद में सकारात्मक उदारवाद भी कह देते हैं ये लास्की बैंथम टी एच ग्रीन ठीक है लास्की बैंथम टी एच ग्रीन ठीक है ये समकाली उदारवाद ने ते स्टूडेंट्स वीडियो में ध्यान देना सुनना क्योंकि मैं तुहानू होर भी जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं थोड़े शेयर करूँगी ठीक है। तो नैक्सट है क्वेश्चन सैवंथ देखो दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो कार्ल मार्क्स के दो महान रचनावान ने अपने हूँ ही किया भी है नहीं तो ट्रू है ठीक है। नैक्सट है नौकरशाही का होर ना दसने तो नौकरशाही होर की कुछ कहा जाता है ठीक है नौकरशाही का ना दसने ने नौकरशाही का शब्द अर्थ भी तुहानू याद होना चाहिए। हाँ जी नौकरशाही अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी कहें अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी कहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजी भाषा का जोड़ा शब्द है ब्यूरोक्रेसी यह फ्रांसीसी भाषा शब्द ब्यूरो जूनानी भाषा के शब्द क्रेसी तो लिया गया ठीक है मतलब कि जोड़ा इंग्लिश का वर्ड है ब्यूरोक्रेसी यह दो होर भाषावों तो लिया गया होर कि भाषावान ने फ्रांसीसी भाषा तो इन्हें ब्यूरो लै लिया तो जूनानी भाषा तो क्रिसी क्रैसी लै लिया ठीक है क्रैसी तो इन दोनों शब्दों ने मेल तो की बन गया ब्यूरोक्रैसी तो ब्यूरो का अर्थ की है लिखण वाला डैस्क तो क्रेसी का अर्थ हैगा शासन तो आप कह सकते साधारण शब्दों में भी डैस्क पर बैठ के काम करने वाले का शासन ठीक है उन्होंने आप की कहने ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेसी हूँ जो आप होर ना की करते हैं नौकरशाही के होर ना कि करते हैं क्वेश्चन ये असैनिक ब्यूरोक्रेसी भाव कि नौकरशाही असैनिक सेवावां भी कहा जाता असैनिक सेवावां असैनिक ठीक है असैनिक सेवावां ते स्थाई कार्यपालिका क्यों होंगी है क्योंकि इहदा एक निश्चित एज ते जाके ही यह अपनी रिटायरमेंट प्राप्त करते हैं वैसे इन्हों कोई नहीं हटा सकता होंगे अगर एक बार ये जिहड़े कि अपने जॉब ते आ जाते हैं ठीक है। स्थाई कार्यपालिका मतलब कि जिवें यह स्थाई कार्यपालिका तां है क्योंकि ये ऐ नहीं है भी इन्हों का 5 साल बाद इन्होंने जो सरकार चेंज होंगी जिम्मे भी चेंज हो गए नो एक अपनी निश्चित एज से जाके जेडे कि रिटायरमेंट प्राप्त करते हैं तो करके स्थाई कार्यपालिका तो इस तो अलावा जेडे कि प्रशासनिक अधिकारी ठीक है प्रशासनिक अधिकारी तो लोक सेवावान ठीक है ये होर ना नहीं। नैक्सट है तुहाडा क्वेश्चन अगे हाँ जी हेठ लिखिया विच लोक मत दे निर्माण ते प्रगटावे दे साधना दा सही जोड़ा दसना अपने तो ये जिहड़े कि हैगे ने अपना सही दसना अपने जुट किहड़ा बनता ऊड़ा ऑप्शन सुतंत्र ते ईमानदार प्रैस ते राजनीतिक दल ठीक है राजनीतिक दल अगे हैगा अगला अपना 10 नंबर क्वेश्चन खब्बे पक्षी राजनीतिक दल तो की भाव है तो खब्बे पक्षी राजनीतिक दल तो भाव दल तो की भाव सामवादी दल सामवादी दल ठीक है सामवादी दल। तो नैक्सट है अपना क्वेश्चन हाँ जी
हेठ लिखियां विचों एक दल प्रणाली वाला देश कौन है? एक दल प्रणाली जिथे वह है चीन ते क्यूबा, चीन क्यूबा वियतनाम कंबोडिया, ये एक दल प्रणाली है। तो बहु दल प्रणाली हैगी है भारत दे विच, ठीक है। तो दो दल प्रणाली कित्थे है? दो दल प्रणाली अमेरिका इंग्लैंड दे विच है, अमेरिका इंग्लैंड दो दल प्रणाली है, भारत दे विच बहु दल प्रणाली है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के रास्ते में आने वाली दो रुकावटा, ये तो गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, ठीक है। नैक्सट है क्वेश्चन, भारत में सब तो पहली पंचायत कितने बनी सी? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? तो पहली सी नगौर राजस्थान, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से उस समय, ये बनी सी 2 अक्टूबर 1959 के, ठीक है, राजस्थान के। जिहड़ी सैकेंड सी, सैकेंड के समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सी, ठीक है। तो वह बनी सी 11 अक्टूबर में, 11 अक्टूबर 1959 में आंध्रा प्रदेश के, ठीक है, याद रखना। तो यह जी पंचायत वाली है, यह बलवंत राय मेहता दे सुगैशंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जोड़ा पंचायती वाला यह 73वीं सूची के आता। शहरी वाला, शहरी स्थानक सरकार, शहरी स्थानक शासन पाता, वह आता 74वीं, ठीक है। ये 73वीं सोध, ये 74वीं सोध। तो जिहड़ा पिंड पद्धर ते जिहड़ी, ठीक है, स्थानक शासन प्रणाली, तो ये हैगियां ने स्टूडेंट्स 11वीं सूची के अधीन है, ठीक है। तो शहरी वाला हैगा 12वीं सूची के अधीन, ठीक है। तो जिहड़े पेंडू स्थानक शासन प्रणाली विच आउंदे ने 29 विषय, तो शहरी के आउंदे ने स्टूडेंट्स ये 18 विषय ज 18 अनुच्छेद भी कह देंगे, ठीक है। आई रिपीट, जिहड़ा हैगा स्थानक पंचायती राज प्रबंध, पंचायती राज प्रबंध आउंदा जिहड़े कि अनुसूची है यदि 11वीं, ठीक है, 73वीं सोध है, तो 29 विषय ने ज आर्टिकल ने 29, ठीक है। तो इस दे विच जिहड़े कि यह भारतीय संविधान के भाग 9 दे विच दर्ज है, ठीक है, 9 भाग दे विच दर्ज है, जिहड़े कि पेंडू शासन प्रबंध। ये सब तो पहला आता जिहड़े कि ये सब तो टॉप ते, सब तो टॉप ते जिला परिषद है, ठीक है। सब तो उपरले पद्धर ते जिला परिषद, सब तो हेठले पद्धर ते आजूगी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर आजूगी जिहड़े कि ये जिला परिषद, सब तो मतलब कि हेठले पद्धर ते की आजूगा जिहड़े कि ग्राम पंचायत। तो जिहड़ा शहरी है, शहरी स्थानक शासन प्रबंध, उहदे विच हैगे ने स्टूडेंट्स, वह भारतीय संविधान के भाग 9A दे अधीन दर्ज है, 74वीं सोध है, ठीक है। तो आर्टिकल हैगे ने 18 ज आप कह सकते 18 विषय ने ये। तो इस दे विच स्टूडेंट्स जिहड़े भारतीय संविधान की अनुसूची 12 दे विच दर्ज है, ठीक है। तो पेंडू पद्धर वाला जिहड़े कि 11वीं अनुसूची दे विच दर्ज है। तो जिहड़े कि इहदे विच शहरी स्थानक प्रबंध में सब तो उपर है नगर निगम, तो सब तो हेठा है नगर पालिका, ठीक है। तो भी याद रखना कि चोन प्रणाली का संविधान के आर्टिकल 15 के अधीन है, ठीक है। चोन प्रणाली, इलैक्शन कमीशन, इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल हैगा, ठीक है। चोन कमीशन का 324 तो लैके 329 भारतीय संविधान के भाग 15 के अधीन, तो आर्टिकल 326 के अधीन 18 साल के हरेक व्यक्ति को वोट पाने का अधिकार आ। तो पहला हैगी सी यह जिहड़े कि 21 साल, तो 61वीं संविधानिक सोध करके जिहड़े कि यह 18 साल की गई है, ठीक है। तो चोन आयोग की व्यवस्था हैगी 324 आर्टिकल के अधीन, चोन प्रचार करन दा समा हुंदा 14 दिन का। तो पहलियां चोणां होईयां सी 1952 के, कई स्थान तो तुहानूं 51-52 भी मिलता, ठीक है। तो पंचायत दिवस कदों मनाया जाता? पंचायत दिवस मनाया जाता 24 अप्रैल में, तो वोटर दिवस मनाया जाता 25 जनवरी, ठीक है। वोटर दिवस 25 जनवरी मनाया जाता। तो चोन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950। तो सार्क बारे भी क्वेश्चनस ये भी याद रखने ने। सार्क का भाव कि दक्षणी एशियाई खेतरी सहयोग संगठन है, ठीक है, सार्क। तो ये स्थापना 8 दसंबर 1985 के, दफ्तर हैगा काठमांडू के, ठीक है। सार्क का दफ्तर हैगा काठमांडू के, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो फस्ट सम्मेलन होया सी ढाका के, जिहड़े बंगलादेश की राजधानी है। तो पहले दे 7 मैंबर से भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो 8वां जोड़िया गया अफगानिस्तान। तो UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के हुई है, अमेरिका दे न्यूयॉर्क, ठीक है, इतने दफ्तर है। सुरक्षा परिषद के
15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 10 ਸਥਾਈ, 5 ਸਥਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਅੰਗ ਨੇ, ਮਹਾਸਭਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਭਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 193 ਮੈਂਬਰ, 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਝਾੜੂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਲਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, 1954, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, 4-4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਪੜਾਅ ਲਿਖਣੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਬਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉਧਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਆ ਸੱਚ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਾਈ, ਅਨਿਆਏ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ,
हिजरत वर्त रखना। अगे है छावनी बोर्ड। हाँ जी छावनी बोर्ड की है? हाँ जी वड्डे शहरां दे बाहरले खेतरां जां कुछ महत्वपूर्ण थावां ते जिहड़े कि सैनिक टिकाणे बनाए जांदे ने, ते अजिहे सैनिक टिकाणे नूं की कहा जांदा? सैनिक छावनी कहा जांदा है। ते सैनिक छावनी दे विच गैर सैनिक लोग भी वसदे हुंदे ने, ते अजिहियां छावनियां दा जिहड़े कि स्थानक कम्मां दा प्रबंध इक बोर्ड द्वारा चलाया जांदा हुंदा, जिहनूं की कहिंदे ने छावनी बोर्ड। भाव कि जिहड़े सैनिकां दे लई जिहड़े टिकाणे बनाए जांदे ने शहर तों बाहरले खेतरां दे विच, उत्थे उहनां दा प्रबंध चलाउण दे लई इक जिहड़े कि कुछ प्रबंध कायम करन लई इक बोर्ड बनाया जांदा, ठीक है? उस बोर्ड नूं आपां की कहिंदे छावनी बोर्ड कहा जांदा। ते अजिहे बोर्ड दे विच चुणे होए अते सरकार दे नामजद मैंबर हुंदे ने, मतलब कि इस दे विच कौण काम करदे ने? चुणे होए मैंबर जां सरकार दे द्वारा नामजद कीते होए मैंबर हुंदे ने। तो छावनी बोर्ड सैनिक छावनी के खेत्र के सैनिक कामों लिए जिम्मेवार होंगे। अजिहे बोर्ड में नगरपालिका वाले ही काम करने पैंदे ने। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, तो इस मंत्रालय द्वारा ही छावनी बोर्डों माली सहायता दी जाती है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष भी कोई सैनिक ही होंगे है। नैक्सट है राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते चार समस्या रुकावट कि संप्रदायिकता, जातिवाद हो गया, ठीक है, असंतुलित खेत्र हो गया, असहनशीलता, इस तो अलावा ये आप कह सकते अनपढ़ता, बेरोजगारी, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, अज्ञानता। नैक्सट है हाँ जी चोण विधि के चार पड़ा। पहला मतदाता की सूची तैयार होंगी, ये साढ़े देश में खेतरी आधार पर उन्ने चोन खेत्रों में वंडिया जाता जिन्ने लोकसभा चुने जाते हैं मैंबर, ठीक है, उन्होंने आधार पर चोन खेत्र की वंड हो जाती है। हरेक चोन खेत्र के मतदाता की सूची तैयार करना चोन प्रणाली का पहला पड़ा होंगे, तो यह काम चोन आयोग की निगरानी के अधीन होंगे। फिर चोन घोषणा जारी की जाती है, ठीक है, चोन आयोग द्वारा। फिर वोटों की गिनती होंगी है, तो वोट मतदाता द्वारा मतदान किया जाता निश्चित मिति से वोटों की गिनती होंगी है। फिर चोन खेत्र के जो उम्मीदवार सब तो ज़्यादा वोटा लाता उन्होंने जेतू घोषित किया जाता। चोन उजरदारे का निर्णय करना, जिन्होंने जितने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध कोई इतराज होंगे वह उच्च अदालत के चोन उजरदारियां दाखिल करते हैं, तो अदालत फिर वह फैसला करती है निर्णय। तो नैक्सट है करतारपुर लांघा। हाँ जी 30 अक्टूबर 2018 में अमेरिकी सिखा का एक जथा भारतीय प्रधानमंत्री मिलिया सी, ते उन्होंने भी जिहड़ी कि करतारपुर लांघा के निर्माण संबंधी भारत सरकार कोई लड़ींदी कार्रवाई करने लई कहा सी। 3 नवंबर 2018 में भारतीय मंत्रिमंडल ने करतारपुर लांघा बनाने लई निर्णय लिया सी, ते पाकिस्तान की सरकार लोड़ींदे कदम चुकने लई भी सुझाव दिता सी। ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस एम कुरेशी ने यह कहा सी कि पाकिस्तान में यह लांघा स्थापित करने लई तैयार है। तो 26 नवंबर 2018 भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के मार्ग से पिंड मान जिला गुरदासपुर विखे नींह पत्थर रखे। तो 28 नवंबर 2018 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करतारपुर लांघे का नींह पत्थर पाकिस्तान के जिला नैरोवाल के नेड़े एक स्थान पर रख्या गया। तो भारत के दो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी ने उस समागम भारत सरकार की प्रतिनिधता की, तो उन्हों तो इलावा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला भी उस समागम हाजिर सन। नैक्सट है पागेड़ी के सिक्स सिक्स मार्क्स वाले क्वेश्चनस ने। हाँ जी विदेश नीति तो की भाव है? भारत में विदेश नीति के कोई चार सिद्धांत दसने ने। भारत चीन के संबंधों की व्याख्या करनी है। राजनीतिक प्रणाली तो की भाव है? राज और राजनीतिक प्रणाली अंतर चार। लोकमत की है? इसके निर्माण के प्रगटावे के चार साधन। दबाव समूह तो की भाव है? दबाव समूह की कार्यविधि, ठीक है, दबाव समूह की कार्यविधि चार ढंग। भारत संसद प्रणाली के 6 विशेषतावान। हूँ आप इन्हों के आंसर करते हैं, तो एक थानू पैरा होगा स्टूडेंट्स पैरे चो आंसर फाइंड करने। हाँ जी इन्हों के आंसर, हाँ जी विदेश नीति यदा अर्थ, फिर ये जिड़े कि सिद्धांत जिम्मे गुटनलिप्त आ गया, ठीक है, गुटनलिप्त भाव कि किसी भी गुट के शामिल ना होना, सिद्धांतों ही विशेषतावान लिखा आ सकता, तो लक्षण, ठीक है, तो समाजवाद के वस्तीवाद की विरोधता, ये नस्लवाद की विरोधता, ठीक है, तो राष्ट्रमंडल की मैंबरी, एशिया के अफ्रीकी देशों की एकता से परस्पर सहयोग, गुआढ़ी राज्यों नाल मित्रता देशों नाल, खेतरी सहयोग, ठीक है, तो विश्व शांति की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, पंचशील, ये भी वेरी शॉर्टली भी इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 1954 जिहड़े कि भारत के चीन के प्रधानमंत्री विचकार तिब्बत संबंधी एक व्यापक समझौता होया जिसनों जिहड़े कि पंचशील कहा जाता, तिब्बत नूं लैके होया सी, ठीक है। तो लोकमत निर्माण के साधन प्रगटावे दे,
ਲੋਕ ਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਬਿਜਲਈ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ, ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੱਡੇ। ਨਿਰਮਾਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ, ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ, ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੇ ਢੰਗ, ਵਿਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ, ਲੋਬਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲੋਬਿੰਗ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ। ਥੈਂਕਸ।